हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एचटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी एचटेट का एग्जाम 16 और 17 नवंबर को होने वाला है, तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ओनली 15 डेज है तैयारी करने के लिए। तो आप इन 15 दिन में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे एग्जाम में, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 मार्क्स के क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 30, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश इन दोनों से 15 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो जनरल स्टडीज़ है, जिसको कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। अभी हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आपके पास पीआरटी के एग्जाम में टोटल 5 पार्ट्स हैं, और आपके पास तैयारी के लिए 15 दिन हैं, तो आपको एक पार्ट की तैयारी के लिए केवल 3 दिन मिलते हैं। तो आप इन 3 दिन में कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट डे है उस दिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो देखने हैं। आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी भी हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इससे कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो इससे आपकी तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी। आपको जब ये आइडिया लग जाएगा कहाँ से और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे आप अपनी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग ही करना। कि ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अभी अभी बीएड या जेबीटी के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उन्होंने एग्ज़ाम के टाइम में अपना सिलेबस पढ़ा होगा, तो उनको सिर्फ रिवीजन करना है अपना सिलेबस, क्योंकि वो पहले एग्ज़ाम में पढ़ चुके हैं, तो जल्दी ही ऐसा कर सकते हैं। तो आप 1 2 दिन में अपना सिलेबस रिवीजन कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक पढ़े उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि एचटेट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप मेन मेन पॉइंट है वो पढ़ लें, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत होती है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, मोस्टली यही होता है। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़े थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए उसको। जो पीआरटी के स्टूडेंट हैं वो जो हरियाणा बोर्ड की 1 to 5th क्लास की बुक है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें। आपके पास टाइम कम है तो हो सकता है कि आप पूरी बुक ना पढ़ सकें, तो आप ऐसा करें कि जो भी लेसन दिया हुआ होता है बुक में उसके पीछे कुछ मेन मेन पॉइंट दिए हुए होते हैं, तो आप बुक में वो जो मेन मेन पॉइंट दिए हुए होते हैं उन मेन मेन पॉइंट को ज़रूर पढ़ लेना। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो टीजीटी और पीजीटी एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 150 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। इसमें 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसमें से 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से 15 15 क्वेश्चन 15 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और इसमें 30 क्वेश्चन है वो जीएसए पूछे जाएंगे, जिसमें कि 10 क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 10 रीजनिंग एबिलिटी और 10 हरियाणा जीके के होंगे। आपको भी अपनी तैयारी के लिए जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनको आपको सिर्फ 3 3 दिन ही देने हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 3 दिन में इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश इसको भी आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है, और 3 दिन है वो जनरल स्टडीज़ को देने हैं। बाकी का जो टाइम आपको बच जाता है वो आपको आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, उसकी आपको अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें से आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जैसा कि मैंने पीआरटी के स्टूडेंट्स के लिए बताया था, वैसे ही आपको जो फर्स्ट डे है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे कहाँ से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे से आपको एचटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिटेल स्टडी करनी है, क्योंकि एचटेट का एग्जाम है वो टफ आता है। उसमें क्वेश्चन है वो पता नहीं कहाँ से आ जाए, क्यों आप जो टॉपिक में जहाँ से जो पार्ट छोड़ दे हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो थोड़ा डिटेल स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट है वो बहुत खराब आता है। जो टीजीटी के स्टूडेंट और पीजीटी के स्टूडेंट है वो कोशिश कीजिए कि आपने जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है उसकी 10th या 12th तक की बुक है उसको आप पढ़ लें। हरियाणा बोर्ड की बुक उस सब्जेक्ट की आप पढ़ लें। अब बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो उसमें जो लेसन के पीछे मेन मेन पॉइंट दिए हुए होते हैं उनको पढ़ लें। और जो पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो नेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ आता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर कीजिए। इन 15 डेज में आप एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते हैं, आपके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद देखते हैं आपको एग्जाम के दौरान क्या करना है, कि एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 ही मिनट्स आपके पास होंगे। तो इसमें जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में कई क्वेश्चन होते हैं जिनमें कि स्टूडेंट्स हैं वो अटक जाते हैं और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि आप उसको सोल्व कर सकते हैं, तो आप उसको अलग में साइड में लिख दीजिए, और बाद में जब सभी क्वेश्चन आप कर चुके होंगे उसके बाद ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे 2-4 उनको दोबारा से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर वो फिर भी नहीं हो रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और आपके जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि आपको डाउट है जो आपने साइड में लिखे थे दोबारा देखने के लिए, तो उन सभी क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी एक सीरीज चुन लीजिए। कि जैसे आपने ए चुना है तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है वो ए फिल कर दीजिए, या फिर बी सी डी में से आप कोई भी सीरीज चुनिए, लेकिन चुननी एक ही सीरीज में से। ये नहीं है किसी में ए कर दिया किसी में बी, ऐसा नहीं करना है। एक ही सीरीज चुननी है, ए चुनी है तो सब में ए कीजिए, सी चुना है तो सभी में सी आंसर फिल कीजिए। इस तरीके से भी आपको कुछ नंबर है वो मिल जाते हैं, और जिनका एचटेट का एग्जाम है वो 2-3 नंबर से रह जाता है तो वो देखेंगे इस बार उनका एग्जाम है वो जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। मैं खुद एचटेट सीटेट नेट क्वालिफाई हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही ये सब कुछ बता रही हूँ, इसलिए इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप एचटेट सीटेट नेट या ऐसे ही किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में जो बेल दी हुई है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।